इस टेक्निक में पेन को इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में होल्ड किया जाता है। आपका इंडेक्स फिंगर टिप से एटलीस्ट 1.5 या 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, या अगर आपके पेन में ये ग्रिप अवेलेबल है तो आप अपना इंडेक्स फिंगर ये ग्रिप के लोअर पार्ट से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। अभी आपको थंब इंडेक्स फिंगर से थोड़ा सा ऊपर रखना है। तो इस प्रकार आप पेन को होल्ड करते हैं बिटवीन योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो अभी आपको ये पेन मिडल फिंगर के ऊपर रेस्ट करना है। जब आप ये पेन मिडल फिंगर के ऊपर रेस्ट करेंगे तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि आपका मिडल फिंगर पेन को क्रॉस कर रहा है ऐसे, इससे पेन को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। तो इस प्रकार इंडेक्स फिंगर और थंब पेन को होल्ड करते हैं और मिडल फिंगर पेन को सपोर्ट करता है। इस प्रकार एक असेंबली फॉर्म होती है। तो ये असेंबली को या ये टेक्निक को इंग्लिश में ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। ये टेक्निक में हमारे पास 2 उंगलियां फ्री रहती है, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, जिन्हें हमें अंदर की तरफ ऐसे मोड़ना होता है, जिस पे हम लोग ये ट्राइपॉड जो हम लोगों ने पहले ये 3 फिंगर से जो कॉम्बिनेशन बना है उसको हम उसके ऊपर रेस्ट करवा सकते हैं। ये 2 फिंगर्स की वजह से, जो हम लोग के फ्री 2 फिंगर्स है उसकी वजह से हम लोग पेपर एंड ये ट्राइपॉड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन रख सकते हैं। और जब हम आगे की तरफ ऐसे लिखते जाते हैं तो हम ये 2 उंगलियों का बहुत फ़ायदा होता है, जिससे हम लोग एकदम ईजिली आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये टेक्निक में 3rd पार्ट आता है एंगल का। जब आप पेन को होल्ड कर रहे हो तो आप उसे ज़्यादा एंगल पे ना होल्ड कीजिए, जैसे कि ऐसे, ये बहुत ज़्यादा एंगल पे मैंने होल्ड किया, इसे आप ज़्यादा एंगल पे होल्ड ना करें। आप इसे कम एंगल में होल्ड कीजिए, जैसे 45 डिग्री या उसके आसपास आप होल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको लिखने में बहुत आसानी होगी और आगे आप प्रॉपरली लिख पाएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप इजीली वो एंगल से प्रॉपरली लिख पाएंगे। आप पेन को ज़्यादा टाइट ना पकड़ें, पेन को आप एकदम रिलैक्स तरीके से पकड़ें। बस इतना ध्यान दें कि आपका पेन आपके फिंगर से फिसलना नहीं चाहिए, तो आप एकदम रिलैक्स तरीके से पेन को होल्ड कीजिए। अगर आप पेन को बहुत ज़ोर से पकड़ोगे तो थोड़े टाइम बाद आपके फिंगर्स दर्द करने लगेंगे और आप ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, बार बार आपके फिंगर्स में पेन होते रहेगा। तो इसके वजह से आप एकदम रिलैक्स तरीके से पेन को होल्ड कीजिए, जिससे आप लंबे समय तक आपके फिंगर्स को पेन हुए बिना लिख सकते हो। तो ये ध्यान दें, यह टेक्निक हैंडराइटिंग के लिए बहुत आइडियल मानी जाती है। आप में से बहुत सारे लोग ये टेक्निक से लिखते भी होंगे, पर जो लोग ये टेक्निक का यूज़ नहीं करते हो वह इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो आप आसानी से ये टेक्निक से आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।